यदि आप भी जियो सिम यूज करते हैं और आपका जियो सिम जो कि 4G पे है और आप चाहते हैं कि आप अपने जियो सिम को 5G में कन्वर्ट कर सके, मतलब आप अपने 4G सिम को 5G में चलाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देख लेने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करेगा। तो चलो आज वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक काफी अच्छा है कि हम अपने 4G जियो की सिम को 5G में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपका फ़ोन 5G है, ओके, आपने न्यू फ़ोन लिया, 5G फ़ोन है, लेकिन आपको सिर्फ 4G नेटवर्क ही देखने के लिए मिल रहा है, तो गाइस यहाँ से आपको देखो, अभी मेरे पास तो फिलहाल 4G फ़ोन है, बट आपको मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपके यहाँ से अपने फ़ोन पे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ठीक है। तो आपको सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद देखो, ये 4G लाइट स्विच है, बट इस एप्लीकेशन का 4G होने से कोई मतलब नहीं, इसका मैं आपको बता दूँ। आपको यहाँ से सेटिंग वाला सिंबल मिलता है, आप उसमें क्लिक कर लेना। अब इसमें क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन का ये सेटिंग ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट फ्रेंड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलता है ना गाइस, ये वाला, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ओके। अभी हमारा जिसमें कनेक्ट है, आप ध्यान से देख लो, ये वाला जो कनेक्ट है, जैसे आप उसमें क्लिक कर दोगे, यहाँ से आपको 5G का ऑप्शन मिल जाएगा या LTE ओनली वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, LTE ओनली वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा फ़ोन जो हाई नेटवर्क वाला है ना, 5G है, 4G है, तो वही नेटवर्क हमारे फ़ोन पे कनेक्ट करेगा। 2G 3G ये बिल्कुल से कनेक्ट होने ही वाले नहीं है। तो यहाँ से आपको LTE पे सेलेक्ट कर लेना, इस तरह LTE पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से नीचे अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें क्लिक कर देना। और जैसे आप अपडेट पे क्लिक कर दोगे, आपके फ़ोन का नेटवर्क एक बार बंद होगा और उसके बाद वापस चालू हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके ओपन कर लेना है, डाटा कनेक्ट करना है, और देखिएगा आपका फ़ोन, अगर 5G फ़ोन है, अगर आपने 5G फ़ोन लिया ना, तो आपको 5G की स्पीड 100% मिलने वाली है। तो बस गाइस, मुझे आपको ये एक ट्रिक बतानी थी कि कैसे आप अपने जियो की 4G स्पीड को, अगर आपने 5G का फ़ोन लिया, तो आप 5G नेट कैसे चला सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।